इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जीत के बाद उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि वह भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए तैयार है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान के चार टुकड़े करने के लिए भारत को अब तैयार हो जाना चाहिए। इसके साथ ही स्वामी ने आशंका जताई कि इमरान अगर पीएम बनते हैं तो भारत को किसी भी हमले के लिए तैयार रहना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वामी ने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से उन्होंने कहा कि चलिए इस संभावना के लिए तैयार रहते हैं कि पाकिस्तान गलतफहमी में भारत पर हमला कर सकता है। हमें पाकिस्तान को खत्म करने और इसे चार भागों में तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इसके लिए मौका ढूंढना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि यह अच्छा है कि इमरान खान की सरकार कठपुतली सरकार होगी। अच्छा ये होगा कि इसे कठपुतली सरकार की तरह ही रहना चाहिए, ना कि जैसा नवाज शरीफ कहते थे। ये सभी कठपुतली है। पाकिस्तान की आवाम, ISI, सेना और तालिबान की कठपुतली है। अल्लाह, मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्लेज करता हूँ, आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, आवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद हों। अभी तक बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात वन वे रहे हैं, यानी कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान को इमदाद करता है उनकी अमेरिका की जंग लड़ने के लिए, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम ये रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका से कि दोनों मुल्कों को फायदा हो, एक 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 बैलेंस रिलेशनशिप हो।